These are the answers for Delhi board papers that held today. First question का A part, इसमें बताना था कि valid user identifier कौन सा है और keyword कौन सा है. तो else यहाँ पे keyword है, long user defined identifier है क्योंकि यहाँ पे L capital है. 4Q यहाँ पे ना तो keyword है ना identifier है क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया, digit से start नहीं हो सकता. Underscore count, अंडरस्कोर अलाउड होता है तो इसके लिए यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है. हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन वन का बी पार्ट, इसमें स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल एक तो आंसर था और दूसरा एफ स्ट्रिंग डॉट एच. यहाँ पे एस टी आर यू पी आर फंक्शन था ये, यू पी आर और एस टी आर कैट, ये दोनों फंक्शन हमारे स्ट्रिंग डॉट एच के थे और ऑफ स्ट्रीम जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा था वो आपका एफ स्ट्रीम डॉट एच का था. क्वेश्चन नंबर वन के सी पार्ट में ये कुछ करेक्शंस थे. एक टाइप डेफ का टी स्मॉल लिखना था यहाँ पे, टाइप डेफ का टी स्मॉल, और इंटर काउंट को यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ था, काउंट इंट की जगह इंट काउंट आना था. चेंज द पोजीशन ऑफ इंट एंड काउंट. वाइड मेन ठीक है, काउंट सी ठीक है. यहाँ पे के वेरिएबल डिफाइन नहीं किया हुआ था जो कि लूप में दिया हुआ था, इसको इंट के भी लिख सकते हैं या काउंट के लिख सकते हैं. ठीक है, के यहाँ पे डिक्लेयर नहीं था, एक एरर ये था. और ये जो फॉर लूप है ये सही है यहाँ पे. और ये जो सी आउट है फॉर लूप के अंदर, इसमें लेस देन का यहाँ पे साइन मिसिंग था. यहाँ पे लेस देन का साइन बिफोर और आफ्टर स्टार आना चाहिए था जो कि कोड में नहीं दे रखा था. तो दीज वर द एरर्स इन द कोड. क्वेश्चन नंबर वन का डी तीन मार्क्स का था एंड इसमें तीन आउटपुट आ रहे थे, 35 and 4, 38 #3 और 38 #9. इसमें रेफरेंसिंग का और डिफॉल्ट पैरामीटर का ध्यान में रखते हुए ये आउटपुट निकालना था. नंबर फर्स्ट का ई में एक एरर है, यहाँ पे सी का लूप चलाया हुआ है और कुछ आई वेरिएबल की जगह है तो ये वेरिएबल गलत दे रखा है तो इसका आउटपुट मतलब आ ही नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल गलत है, अनडिफाइंड सिंबल है, तो ये इनवैलिड क्वेश्चन था. इसमें अगर आप करेक्शन करके आउटपुट लिखते हैं तब भी ठीक होगा, ठीक है ना, अनडिफाइंड सिंबल आई है बेसिकली तो इसमें एरर है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये एरे का क्वेश्चन था, इसमें रैंडम वैल्यू जनरेट करनी थी. इसमें मिनिमम एरे में 10 वैल्यू आ रही थी और मैक्सिमम एरे में 13 वैल्यू आ रही थी, चार एरे में वैल्यू जनरेट हो रही थी जो इस रेंज में आ रही थी. इसके हिसाब से लूप उल्टा प्रिंट हो रहा था तो जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन था वो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन था, फर्स्ट एंड फोर्थ. ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फर्दर इसके कंप्लीट आंसर की डाल दूंगा, आज शाम को या कल तक. ओके, थैंक यू.